So hello friends, welcome back to my new vlog. This is Adnan and you are watching Beast Surfer. तो दोस्तों ये है मेरा पहला दिन नेपाल में. पहला नहीं, मैं कल आया था तो ये हो जाएगा मेरा दूसरा दिन. तो आज हम जाएंगे कहीं घूमने, जैसे दमाड़ पे या फिर कहीं और. तो आज का ये व्लॉग भी काफ़ी मज़ेदार होगा और ये सीज़न भी काफ़ी मज़ेदार है. तो अभी फ़िलहाल लेट्स कंटिन्यू दैट व्लॉग. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी. तो दोस्तों ये झोपड़ी आप सब देख रहे हो, वो चांद रात के दिन बिल्कुल जल के तबाह हो गया था. ऑफकोर्स ये बुरी बात तो है ही, लेकिन एक्सेप्ट दैट अभी हम एक रैंडम चौक से होते हुए दमाड़ पे जाएंगे और बीच का जो रास्ता होगा वो काफ़ी लंबा होगा. तो इसलिए ज़रूरत के हिसाब से मैं इस व्लॉग को फास्ट फॉरवर्ड करता रहूँगा. सो एज एन एग्जाम्पल आप सब देख सकते हो मैंने यहाँ पे कर दिया है फास्ट फॉरवर्ड. तो फ्रेंड्स अभी मैं आप सबको जा रहा हूँ यहाँ का एक मस्जिद दिखाने, जो दिखने में तो बहुत छोटा है लेकिन काफ़ी शानदार है. और ये देखो यहाँ का कल्चर. सो फ्रेंड्स फाइनली हम अपने पहले पड़ाव पे पहुँच गए, यानी इस चौक पे. अगर चैनल सब्सक्राइब कर दे, यूट्यूब में चैनल है सर्च कर दे लो. सब्सक्राइब कर दे, देखो यूट्यूब में हेल्प कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे. अभी ना हो यूट्यूब में चैनल का नाम है बीस स्टोरी फुल नाम है. बस ओपन लिख दो यार, एक ऐसे एक दो गोड़ा पड़ गया उस टाइम. हेलो भाई, आज भी लाइक कर दो. तो इस चौक के लोगों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाने के बाद नाउ वी आर रेडी टू रिज्यूम आवर जर्नी. तो अभी हम जा रहे हैं दमाड़ पे. दमाड़ यहाँ का एक चौक है. तो आपको तो काफी अच्छा व्यू मिलता होगा कुतुब मीनार का, तो आपको कैसा तो अभी हम दमाड़ में एंटर करने वाले हैं और एंटर करते हैं ये है हमारा पहला पेट्रोल पंप. तो बेसिकली दमाड़ एक ऐसे एरिया का नाम है जहां बहुत तरह के सामान को बेचा जाता है, जिसे आप राजपुर का मार्केट भी कह सकते हैं. तो अब हम दमाड़ से होते हुए झिलनिया पुल पे जाएंगे, जिसे मैंने भी कभी नहीं देखा है. तो फ्रेंड्स कैमरे में आप सबको बहुत ही अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन असल में ये बहुत ही ज्यादा घना जंगल. तो अभी हमें झिलनिया पुल पे जाने के लिए ऐसे इस जंगल से गुजरना पड़ेगा जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है. दोस्तों अभी मैं आप सबको जा रहा हूँ एक वल्चर दिखाने, जो बहुत ही खतरनाक लग रहा है. और अभी मैं बहुत ही डेंजरस जगह पे हूँ, यहाँ पे किसी भी तरह का एनिमल हो सकता है. तो अभी मुझे बहुत ही सावधानी से होकर गुजरना पड़ेगा. यहाँ पे अलग अलग तरह के डेंजरस सांप भी हो सकते हैं, खतरनाक. ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ता है. वैसे सिर्फ मरा हुआ आदमी को खा रहे तो ये बहुत ही ज्यादा घना जंगल है. जंगल ही ना. तो चलो भागे यहाँ से. तो
फ्रेंड्स, इसे थोड़ा ध्यान से देखो, ये पेड़ भी यहाँ के लोग तरह बहुत ही सीधा है, हार्ट से नहीं दिल से। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने अपने डेस्टिनेशन को देख ही लिया, अब बस बाकी है तो वहाँ पे जाना। नाचना वीडियो हो तो यूट्यूबर बन गए। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ इस पुल पे चढ़ने। तो फ्रेंड्स, ये ब्रिज, ये रिवर, ये जंगल, ये बड़ा सा फील्ड इस पूरे एरिया के खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। फ्रेंड्स, इस पुल के नीचे भी खेत है जिसमें लोग अपने फसल को काट रहे हैं, लेकिन इन सबको इग्नोर करते हुए चलो सबसे पहले और फास्टली इस पुल पर चढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेयर वगैरह कुछ भी नहीं है चढ़ने के लिए, क्योंकि अभी ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कमज़ोर है। तो ये है ब्रिज मैन। बहुत डेंजर है, बहुत खतरा है, साला मर गए का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डर से लग रहा है पर अपने कंटेंट के लिए यहाँ पे चढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आ गया यार, देखिए तो खाली गई। अपने चैनल का नाम बतावे लोग। हां हां, रोड के गिर गली रे साहब। नाम हवा 20 स्टोरी फुल नाम हो, सर्च के रख। तो ये देखो, ये लोग अपने ही रिवर को गंदा कर रहे हैं ट्रैक्टर्स को धोके। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से कोई मुझे खींच रहा है, क्योंकि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसीलिए ये तो लगना पक्का है। तो अभी जब कोई मुझे खींच रहा है जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, तो क्यों ना ग्रेविटेशन फोर्स का भी थोड़ा मदद कर दे। तो वॉन्ट टू तो हमने जहाँ से चढ़ा था इस ब्रिज पे, उसके हिसाब से ये रहा एंडिंग पॉइंट। हमारे गिर जी मेरे चलो जब चलो चलो बना तो ले लिए, लेना सब उन्हें खड़ा रहा, फोटो खींच दे लेना। अब पता नहीं कैसे उतरेंगे यहाँ से। और फ्रेंड्स, अभी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो रिवर है, वो जो आप देख रहे हो, जो मैंने दिखाया आप सबको, वो रिवर बकिया रिवर है। तो अभी हो सके तो मैं वहाँ पे अपने रैप को शूट भी कर लूँगा, थोड़ा सा सीन, एक दो सीन। तो अभी फिलहाल सोचते हैं कहाँ से उतरा जाए। हाँ बस बस हो गई, हो गई। Yeah.
क्योंकि आज जुम्मा है और मुझे आज नहाने का टाइम ही नहीं मिला। सुबह टाइम था पर वहाँ सुबह मैं चला गया था कहीं जैसे घूमने चला गया था, तो इसीलिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा नहाने के लिए। पर कोई बात नहीं, अभी चलो चलते मस्जिद में और पढ़ते हैं नमाज। बोलते ना लोग तो शायद भी अभी बिल्कुल नहा धोकर एकदम तैयार है, तो अभी सबसे पहले चलो चलते हैं मस्जिद में और पढ़ते हैं नमाज। तो जिसमें हम जा रहे नमाज पढ़ने वो मस्जिद ये है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मस्जिद है, यहाँ पे कई सारे मस्जिद और ये मस्जिद काफी बड़ा है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं नमाज पढ़ने। फ्रेंड्स ये इमाम पाकिस्तान से आए हुए यहाँ पे इमामत करने। जन्नत के दरवाजों पर ना खड़ा कर दे, फरमाया कुफ्रे जन्नास में इस तरफ इशारा है। नहीं समझ रहा मुसलमान, हुजूर के वक्त में सहाबा के बारे में आता है, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को लंबी चौड़ी तरह नहीं 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 आप इज रॉन्ग, ये तो मेरे मामू जो इमामत कर रहे हैं। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. दोस्तों क्योंकि मैंने और अम्मार ने अभी तक नहीं नहाया, तो इसीलिए अभी हम जा रहे हैं नहाने। वैसे तो जुमा से पहले अगर हम नहाते तो वो ज़्यादा अच्छा था, पर क्योंकि हम उसे मिस कर गए, उस मौके को अभी हमने मिस कर दिया, तो इसीलिए अभी हम जा रहे हैं नहाने साफ़ होने के लिए। तो चलो चलते हैं नहाने। तो दोस्तों अभी भैया नहा रहे हैं और अभी लाट भी आ चुके हैं, तो अभी आप सब देख सकते हैं महबूब में कि मैं अभी बोल नहीं सकता क्योंकि आप नहीं सोच रहे कि मैं गुटखा वगैरह खा रहा। नहीं नहीं बिल्कुल अलग है, हाई लाइट है। अगर यार जो इतने में पानी खिला दे रहे और ये है मेरे खाला का घर जो काफी अच्छा है। बराबर अपना भागते देखी भी लगा अपना भागते। अरे बच्चे भी शर्माने लगे कैमरा के सामने। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपने मामू के दुकान पे, तो वो दुकान बेसिकली यहाँ इस गांव के चौक पे है, तो और वहाँ पर ज्यादातर किताबें बेचा जा रहा है। यस उस दुकान में ज्यादातर हम किताबें बेचते हैं, हम नहीं वैसे, हाँ वैसे हम ही। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं और आप सब इस बच्चे को बहुत देर से देख रहे होंगे, तो ये है मेरे खाला का बेटा, ये एक तरह से मेरा भाई ही लगता है, आज ही आया यहाँ पे, तो इसीलिए ये मेरे साथ रहता है। तो अभी चलो चलते हैं दुकान पे, रेडी? यस यस। मेरे मामू का बेटा, तो इसका नाम साद है, क्यों कुछ कहना चाहते हो? हाय हाय कह दो बस। तो ये है मेरे मामू का बेटा शायद है, तो अभी ये पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे थे अभी। तो ये रहा मेरे मामू का दुकान जिसका नाम है शाहिद बुक स्टोर, जिसमें बहुत सारे ऑथर्स की किताब है जैसे अलामा इकबाल, और ये दुकान इस चौक के बीचों बीच में है, और यहाँ पे जब भी मैं सल्लू भाई को देखूं वो पेप्सी ही पीते रहते हैं। तो
दोस्तों, क्योंकि हम अपने दुकान में बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे थे, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं वापस घर। तो ये था आज के लिए, और इफ यू लाइक दिस व्लॉग सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस नोटिफिकेशन आइकन दैट यू कैन गेट नोटिफाइड। सो दैट वाज माय व्लॉग, थैंक यू वॉचिंग, बाय।